ये समय है साझा स्वप्न देखने का, ये समय है साझा संकल्प करने का, ये समय है साझा प्रयत्न करने का, और यही समय है हम विजय की ओर बढ़ चले। दूरदर्शिता, नए भारत की एक और नई पहचान। आज मोदी सरकार दूरदर्शी नीतियों को अपनाते हुए भारत को भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार कर रही है। भारत युवाओं का देश है। युवा जिस मार्ग पर चलेगा, भारत उसी मार्ग पर आगे बढ़ेगा। देश की इस युवा शक्ति को भविष्य में भी पर्याप्त अवसर मिलते रहें और भारत निरंतर विकास की सतत यात्रा पर आगे बढ़ता रहे, इसके लिए मोदी सरकार ने अनेक कदम उठाए हैं। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। भारत की किशोर एवं युवा शक्ति 21वीं सदी के पैमाने पर खरी उतरे तथा उसके पास नए जमाने के साथ आगे बढ़ने का कौशल हो, इसके लिए सरकार 2021 में नई एजुकेशन पॉलिसी लेकर आई। ये एजुकेशन पॉलिसी छात्र छात्राओं के लिए वरदान साबित होगी। इसके तहत शिक्षकों को भी नई तकनीकों और पठन पाठन के नए तरीकों की ट्रेनिंग दी जा रही है। खेलो इंडिया स्कीम। देश का युवा फिट रहे तभी वो एक अच्छे भविष्य की संकल्पना को साकार कर पाएगा। खेलो इंडिया के तहत 1000 खेलो इंडिया सेंटर खोले जा रहे हैं, साथ ही 2500 से ज्यादा खिलाड़ियों को सालाना 6,28,000 की सहायता राशि दी जा रही है। बुनियादी शैक्षिक ढांचा। भविष्य की चुनौतियों को देखते हुए पिछले 9 सालों में मोदी सरकार ने प्रयास किया है कि किसी भी युवा को उसकी प्रतिभा एवं उसकी रुचि के अनुसार समुचित शिक्षा से वंचित न रहना पड़े। पिछले 9 सालों में प्रतिदिन 2 नए कॉलेज खोले गए हैं। मेडिकल की सीटों में 80% वृद्धि के साथ 225 नए मेडिकल कॉलेज खोले गए हैं। यूनिवर्सिटी की संख्या में 44% की वृद्धि हुई है और भारत की 16 यूनिवर्सिटी विश्व की टॉप 100 यूनिवर्सिटी की सूची में है। स्टार्टअप इंडिया। आज का दौर उद्यमियों का दौर है। देश की युवा शक्ति के सपनों की उड़ान में कोई रुकावट ना आए, इसके लिए सरकार ने स्टार्टअप इंडिया की शुरुआत की, जिसके चलते आज भारत में 1,00,000 रजिस्टर्ड स्टार्टअप हैं, जिनमें 107 यूनिकॉर्न कंपनियां हैं। इन स्टार्टअप्स में से 47% स्टार्टअप्स की डायरेक्टर्स महिलाएं हैं। मोदी सरकार ने एक दूरदर्शी सोच रखते हुए भारत की एक नई पहचान बनाई है और एक सुखद भविष्य की नींव रखी है, जिस पर आगे चलकर भारत का युवा भविष्य के विकसित भारत की मजबूत इमारत खड़ी कर सकेगा।